हेलो सर, विलियम ऑन द लाइन। हमने तुमसे उस एग्रीमेंट का फोटो मांगा। आई एम ट्राइंग सर, कोशिश कर रहा हूँ। व्हाट कोशिश? आई वांट द फोटो ऑफ दैट एग्रीमेंट, अंडरस्टैंड? चाहे उस पे करोड़ों रुपया खर्च हो जाए। ठीक है सर, मैं जानता हूँ मेरे पास करोड़ों रुपए हैं, लेकिन ये काम जरा मुश्किल है। पैसे से हर काम आसान हो जाता है विलियम, मनी इज एवरीथिंग। व्हाट, गुंडों को बुलाया? गुड, वेरी गुड, परचेज देम, खरीद लो उनको एट एनी कॉस्ट, मगर वो हमको एग्रीमेंट का फोटो इमीडिएटली मांगता है। देखो, वहाँ की हुकूमत को खबर ना होना मांगता, ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। 6-7 रोज में हो जाएगा, डोंट वरी, ओवर एंड आउट। आप लोग हैरान होंगे कि मैंने आपको एक साथ इस वक्त क्यों बुलाया है। इसलिए कि ये काम मेरा नहीं, आप सब लोग का है, बल्कि यहां के लोगों का है। मिस्टर विलियम, हम लोगों के लिए आपके पेट में दर्द कब से पैदा होने लगा? मिस्टर केस्टो, आप चुप रहिए। मिस्टर केस्टो, कहिए मिस्टर विलियम, काम क्या है? काम यह है, जेकब मीसा लगते ही यहां से भाग गया था। उसकी एक सीक्रेट फाइल जिसमें तुम सब स्मगलरों के पते और एक खास डॉक्यूमेंट मौजूद है, उस डॉक्यूमेंट के जरिए वो अपनी हुकूमत से आपको करोड़ों रुपए दिलवा सकता है। अब वो फाइल दिल्ली में मिस्टर सिंह के पास पहुंच गई। अगर वो फाइल या उसकी फोटोस्टैट कॉपी मुझे मिल जाए तो तुम सब मौत के मुंह से बच सकते हो। ये काम जितना उतना ही डिफिकल्ट है, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग ये काम अलग अलग न करें, बल्कि साथ मिलकर करें। ओके, मिलकर। Please be seated, gentlemen. बैठिए, बैठिए। हो क्यों नहीं सकता? पैसे से हर एक चीज खरीदी जा सकती है। हम तुम लोग को इतना पैसा देगा कि तुम्हारा बच्चा लोग भी आयश करेगा। अब मिलकर काम करने पर मिलाइए हाथ। जग्गू के हाथ बहुत मजबूत हैं, ये कभी किसी से नहीं मिलते विलियम, और ना ही मैं हिस्सेदारी का कायल हूँ। तुम्हारा काम इसी हफ्ते हो जाएगा, लेकिन माल सॉलिड चाहिए। ठीक है, मुझे तो काम से मतलब है, तुम अकेले करो या सब मिलकर। और आप लोग? हम तो बांट के खाने के आदी। क्यों भाई? तो फिर मिलाइए हाथ। ठहरो, बैठ जाओ अपनी अपनी जगह पर। जग्गू, तुम इस काम को अकेले नहीं करोगे, और ना ही इस काम में रघु के साथ कोई शामिल होगा। विलियम का साथ इस काम में कोई नहीं देगा। मगर क्यों? हुकूमत का काम है हुकूमत चलाना, इसमें दखल देने का हमें कोई हक नहीं। हुकूमत ने जो भी किया होगा हमारी पब्लिक की भलाई और बेहतरी के लिए किया होगा, मगर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि विलियम के दिल में हमारी पब्लिक के लिए तड़प कब और क्यों पैदा हुई? इसमें जरूर कोई गहरी चाल है। केस्टो, हम लोगों ने आप सब की हमेशा मदद की है। और मदद की आड़ में हमेशा नफाखोरी को सामने रखा। मिस्टर विलियम, मैं साफ साफ कह देता हूँ, जो स्मगलिंग का माल तुमने हमें दिया उसकी पूरी पूरी कीमत तुमने हमसे वसूल की, और जो माल हमने तुम्हें दिया उसके पूरे पूरे दाम हमने तुमसे वसूल की। इसमें मदद का सवाल ही पैदा नहीं होता। मगर यह गद्दारी जो तुम हमसे करवाना चाहते हो, मैं हरगिज हरगिज नहीं होने दूंगा। यह हमारी बदकिस्मती है, हम ब्लैक मार्केटिंग, स्मगलिंग और खोटे धंधे जरूर करते हैं, मगर वतन फरोशी बिल्कुल नहीं करते। बाज आ जाओ अपनी हरकत से मिस्टर विलियम। इस तरह की गद्दारी ना तो मैं करूंगा और ना मैं अपने किसी साथी को करने दूं। इसका अंजाम जानते हो विलियम? अंजाम की फिक्र उसको होती है जिसका आगाज अच्छा हो। दोस्तों, तुम इससे कह दो कि तुम इसका साथ नहीं दोगे। बोलो बोलो, तुम इसका साथ नहीं दोगे? बोलो, तुम इसका साथ नहीं दोगे? माफ करना, ऐसा ही खिलौना मैं भी अपने पास रखता हूं। अगर ये जिंदा निकल गया तो हम जिंदा नहीं रह सकते। खबरदार, किसी ने कोई हरकत की तो उसका अंजाम भी यही होगा। वतन फरोश जिंदा रहना चाहता है। और कमीनों, चांदी के चंद टुकड़ों के लिए
देश की रात को बेचने लगे हो, अपने होकर अपने दुश्मन न बनो, अपने दुश्मन न बनो, अपने दुश्मन न बनो। इस देश का सोचो क्या होगा, इस देश का सोचो क्या होगा, अब हम कैसे बतलाएं, अब हम कैसे बतलाएं, जब अपने ही घर वाले अपने दुश्मन बन जाएं। इस देश का सोचो क्या होगा, भाई क्या होगा, भाई क्या होगा। मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। बैठो ना शिरी। नहीं रंजना, जरा एक मिनट। आओ आओ। क्या बात है रंजना, ना ही तुम होटल आती हो और ना तुमने उस काम का जवाब दिया। उनसे वो काम नहीं होगा शिरी। देखो रंजना, मैं तुम्हें समझाने आई हूँ। इस काम के बाद तुम बिल्कुल आजाद कर दी जाओगी। ना रुपया दे दिया जाएगा कि तुम मिस्टर सिंह जैसे कई आदमी खरीद सकती हो। लेकिन मैं सिंह को धोखा नहीं दे सकती। ओहो, तो तुम सिंह को प्यार करने लगी। हाँ। देखो रंजना, फिर तो तुम्हारे लिए बहुत आसान हो गया फाइल से फोटो निकाल लेना। मैं ऐसा नहीं कर सकती रंजना। नहीं सुनने का दी बॉस, इस नहीं का मतलब समझती हो? तुम माँ बेटी की मौत होगी। बॉस तुम दोनों के साथ तड़पा तड़पा कर मारेगा कि मौत के फरिश्ते भी कांप उठेंगे, समझी? नहीं शीरी, ऐसा नहीं होगा। मैं आज ही तुम्हारी होटल आऊंगी। क्या खबर लाए गंगू दादा? हम दिल्ली वाले कभी खाली नहीं आते। वो तुम्हारी लाल कार के सामने वो लाल कोठी है ना? हाँ, वही है श्री होटल। अरे वो तो हम भी जानते हैं। तुम भी जानते हो? तो ये लो ट्रांसमीटर प्यारे, ये भी लाल है। तो फिर क्या,
आज रात को 8 बजे कमरा नंबर 10 में रंजना से मिस्टर सिंह मिलने वाला है। इतना बड़ा ऑफिसर और रंजना के चक्कर में? अरे ये श्री होटल है प्यारे, समझो। और तुम एक काम करो, किसी भी तरीके से कमरा नंबर 9 हासिल करो। ये कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात है क्योंकि कमरा नंबर 9 प्रकाश के नाम में बुक है और श्री के हाथ बहुत लंबे हैं, बहुत ही खतरनाक। अरे हम भी बंबई के उस्ताद हैं यार, तुम जाओ अपना काम करो, हम सब संभाल लेंगे। जाओ यार। ठीक है बंबा, तुम यही कार के पास ठहरो। ओके गुड लक। श्री से एक जरूरी बात करनी है। चलो विनोद। चलो चलो। देखो अभी। हाँ देखा देखा, क्या ये श्री है बॉस? नहीं करो। पकड़ो इसे, अभी आई सर, अभी आई। गुड इवनिंग मिस शिरीन। कहिए क्या सेवा करूँ आपकी? वो रूम नंबर 9 की चाबी। मैं आपको नहीं जानती, वो तो बुक है प्रकाश के नाम से ना। वो मेरा दोस्त है, उसी ने मेरे लिए बुकिंग आई थी। मगर उसकी बुकिंग तो 12 बजे के बाद है। प्रोग्राम यही था लेकिन काम जल्दी खत्म हो गया ना, इसीलिए। तो जल्दी के लिए पहले चाबी जरूर। थैंक यू। राज आपको लिल्ली के पास ले जाओ। यस सर। शायद श्री आ गई बॉस। लो। हेलो, मैं जगो बम्बई। देर हो गई कोई बात नहीं, पर मैंने जो तुम्हें काम सौंपा था उसका क्या हुआ? सर उस काम के लिए रंजना को बहुत मुश्किल से मनाया है, मिस्टर सिंह से उसका लव अफेयर भी चल रहा है और आज रात वो उसको मिलने वाला है। वेरी गुड, तो आज रात काम हो जाएगा। सर सरीन के होते हुए आपको किसी बात की फिक्र की जरूरत नहीं है। ओवर एंड ऑल थैंक यू श्री। माना कि लिली हुस्न का नशा शराब से कम नहीं, लेकिन मैं दोनों को मिलाकर एक ऐसा जश्न मनाना चाहता हूँ कि जीते जी जन्नत का मजा मिल जाए। चलो रात जाया मत करो। रात? क्या बात है शहर साहब? कोई बात नहीं, तुम पहले नहा लो। ओफो, मैं तो रोज शाम को गरम गरम पानी से नहाती हूँ। शाम और रात में बहुत फर्क होता है जाने गजल। अच्छा चलो। तो चलो नहाएंगे। तुम पहले नहा लो, मर्द लोग हमेशा बाद में नहाया करते हैं। जैसा हुक्म शहर साहब। वैसे साथ में नहाते तो ज्यादा। चलो चलो जल्दी करो चलो। बस यू आफत टली। रंजो, सिंह तुम आ गए? कहाँ हो गए? डार्लिंग कहाँ हो तुम? अब कुछ बात बनी, हुस्न की सारी रंगीनियां तुम में सिमट आई हैं। जी चाहता है तुम्हारे हुस्न की पूजा करूं। ओहो रुकता था मैं, करो ना बाबा। मगर इतने देर से तुम कहाँ थे? टक्करें मार रहा था, पति की तलाश में। मिला? मिल गया, बगल में है। बेईमान। अरे ये सीसी का लगा रखा है। दोबारा ना आई सर्दी हो गई। ये तो फिर मकान में ढूंढते हैं। ये लो
शाबाश। अरे ये कान में क्या लगा रखा है? अरे नहीं, ये कान में दर्द हो जाता है ना, इसे लगाने से आराम मिल जाता है। अरे भाई अंदर ही गुनगुनाती रहोगी या बाहर भी रहोगी? लो आ गई। तो आइए। ये 8 बज रहे हैं आपके। देर हो गई, दरअसल आज हमारे ऑफिस में एक छोटी सी मीटिंग थी। अच्छा पहले ये बताओ, तुमने मुझे यहाँ किसके बुलाया? कोई खास बात थी। खास बात थी? तो मेरे घर चली आती। अच्छा जाओ कपड़े बदलो पहले। क्यों? जाओ ना। तो ठीक रहता, ये जगह कुछ खास। तुम्हारे घर आने के लिए तो दिल बेकरार है। तो फिर इस बेकरारी को कब चैन आएगा? कुछ दिन बाद। रंजू मैं आज फैसला करके जाऊं। क्या सोच रहे हो मेरे शायर? ए क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूँ लिली, तुम ख्वाब हो या हकीकत? ख्वाब ही तो हकीकत होते हैं जी शायर। ये नशीली आँखें, ये सुलगते रुखसार और ये संगमरमरी जिस्म और ये भागती हुई रात। अरे दीवाने हो गए हो क्या? तुम्हारा घर वाले मान गए? मैंने तो तुम्हें मान लिया। सच? रंजू तुम जब चाहो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। नहीं सुनने का थी बस, इस नहीं का मतलब समझती? तुम माँ बेटी की मौत। क्या हुआ? कुछ नहीं। तो फिर ये बहारों में फिजा कैसी? न जाने मेरी तबीयत मुझे जीने की सजा क्यों दे रही है। रंजू तुम्हें जीना होगा मेरी खातिर। मैं तुम्हें इतना प्यार करूंगा, इतना प्यार करूंगा जितना किसी ने किसी को नहीं किया हो। क्या हुआ हैं? अरे भी वहां क्या कर रही हो? यहां आओ। नीलो आगे। ऐसे नहीं ऐसे। हाँ तो ये मिस्टर प्रकाश लाइए मेरे रूम की चाबी। वो रूम आपने अपने लिए बुक किया था अपने दोस्त के लिए? क्या कह रही हैं आप? कौन दोस्त, किसका दोस्त? आप एक मिनट ठहरिए मैं भी आती हूँ। कमाल है, क्या हो गया इसे? लिली, ए लिली, ए लिली, लिली, ए लिली, शहर का बदमाश। कौन? अरे वही, यही सही हो रहा। आदमी बड़ा अच्छा था। वो कार था, 420 था। कहाँ गया? यहाँ कहीं नजर तो नहीं आता। फिर क्या हुआ? माल तो दे गया ना। लेकिन प्रकाश आ गया है। फिर जोर से दे। फिर क्या हुआ? ऐसे एग्रीमेंट तो होते रहते हैं मगर कोई तीसरी हुकूमत इसकी कॉपी हासिल करना चाहती है। What? Oh,
Nonsense, impossible. मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा. I will get police protection. बेवकूफ न बनो डार्लिंग. ऐसा करने से तुम्हारी जान का भी खतरा हो सकता है, जो मैं नहीं चाहती. तो फिर? एक बात सुनो. तो कल तुम मेरे घर आओगी ना? एक दिन तो आना ही है, कल ही से. क्यों, पंछी फंस गया ना जाल में? शाम तक काम हो जाएगा, तुम बॉम्बे इन्फॉर्म कर दो. वेरी गुड, मुझे पहले ही मालूम था. इन शरबती आंखों का मारा पानी नहीं मांगेगा. मेरे जाने का इंतजाम शांति फ्लैट से होना बहुत जरूरी है. डोंट वरी. मगर शीरी, डॉक्टर मेहता से मुलाकात का क्या हुआ? तुमसे ज्यादा फिक्र मुझे, मैंने अपॉइंटमेंट ले ली है. आज तुम मिल लो, बाद में माँ का ऑपरेशन करवा लेना. ओके. मगर रंजना, तुम अपने साथ बॉम्बे किसी को ले जाओ, काम बहुत मुश्किल है. मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकती हूँ, डोंट वरी. ओके. तो बॉस को इन्फॉर्म अभी कर ही देना चाहिए. गले में फायर ब्रिगेड का घंटा लटका लीजिए ताकि आगे से लोग अपने आप हटते जाए. सुनो, अब आप उस इसी रास्ते से तशरीफ ले जाएंगे. क्यों? ताकि मैं अपना ट्रक किसी जगह पार्क करके रखूं. मगर मेरी माँ के ठीक होना चाहिए डॉक्टर साहब, जितना रुपया लगेगा मैं देने के लिए तैयार हूँ. देखिए, मेरा ये उसूल है, हर मरीज का खर्चा मैं अपनी जेब से देता हूँ ताकि हर जरूरतमंद मरीज मुझ तक पहुँच सके. Excuse me, I want to see Dr. Mehta. Have you got any appointment? जी नहीं, अपॉइंटमेंट तो नहीं है. सॉरी, अपॉइंटमेंट के बगैर आप उनसे नहीं मिल सकते. देखिए, मुझे बहुत जरूरी काम है, आप उनसे कहिए. सेक्रेटरी, मैं तुम काम. सॉरी. एक्सक्यूज मी, मुझे आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर मेहता से मिलना है. कहिए, क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? आप स्पेशलिस्ट हैं? थैंक यू. देखिए, आप ही अमेरिका से आए हैं. मुझे भी इस बात का दुख है कि मैं अमेरिका से आया हूँ और एक अमेरिकन सिटीजन हूँ. हालांकि मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ और मुझे इस बात का नाज था कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ. मैंने डॉक्टरी की आला डिग्री हासिल की ताकि अपने देश के लोगों की सेवा कर सकूं. लेकिन वो हसरत दिल ही दिल में रह गई और मुझे मजबूरन फिर अमेरिका जाना पड़ा, जहां मुझे रिसर्च के लिए बेहतरीन से बेहतरीन सहूलतें मिली. बड़ी खुशी की बात है, लेकिन इस बात का दुख भी है कि हम लोगों ने आपकी कदर नहीं की. देखिए, मैं पायलट हूँ, यह है मेरा पता. मेरी छोटी बहन की आंखें खराब हैं. मैं चाहता हूँ आज शाम की फ्लाइट से आप मेरे साथ चलिए और उसे देख लीजिए. बाकी आप खर्चे की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जितना खर्चा होगा मैं देने के लिए तैयार. मिस्टर ब्रजेश,
अगर मुझे डॉक्टरी को पेशा बनाना होता तो अमेरिका से यहाँ क्यों आता? मैं हर साल सिर्फ इसलिए आता हूँ कि अपनी जात से अपने देश के लोगों को कुछ फायदा पहुँच सके। अब बेफिक्र रहिए, आपकी बहन का ऑपरेशन मैं जरूर करूँगा, और अगर उनकी आंखों में रोशनी ला सका तो समझूंगा कि अपनी मंजिल की तरफ मैंने एक कदम और बढ़ाया। डॉक्टर साहब, काश हर हिंदुस्तानी के ख्याल आप जैसे हो जाए तो इस देश का बेड़ा पार हो जाए। आप टिकट के पैसे भी नहीं लेंगे? बट दिस इज टू मच डॉक्टर साहब, एनीवे यू प्लीज कम बाय दिस इवनिंग फ्लाइट। देखिए, मैं आपकी माता जी का ऑपरेशन बॉम्बे से लौटने के बाद से। मैंने पेरिस से डॉक्टर पंडारी को बुलाने की कोशिश की मगर वो नहीं आ सके, इसलिए आपको तकलीफ दी। गाड़ी ओवरटेक करो। वन वन रेड फोर्ट हमारा पीछा कर रही है। तो फिर फॉर्मूला 11 का इस्तेमाल करो। फिक्र ना करो वन वन, ऐसा दवाई दूंगा कि क्षति का दूध याद आ जाए। तो फिर मैं रेडी होती हूँ, तुम सिंह की कोठी पर पहुंच जाना, तब इंतजाम करो। इसी वक्त फाइल के सिलसिले में। अच्छा, आ रहा हूं। फाइल के सिलसिले में अभी मान गए। क्या नचाया तुमने मिस्टर सिंह को टेलीफोन पर? देखा, लोग हमें ऐसे दिल्ली का दादा नहीं कहते। तुम एक काम करना, जैसे ही सिंह फाइल लेकर नीचे आए एकदम उसे छीनकर भाग जाना, ताकि मुंह देखती रह जाए उसकी रंजना। जाओ जाओ, जल्दी जाओ। लेकिन अगर वो सिंह फाइल लेकर ही नहीं आए तो फिर खुद चले जाना और देखना वो क्यों नहीं आया। मगर संभाल कर, ये दिल्ली है बेटा। कहां मुझे ऑफिस जाना, शायद किसी ने कंप्लेंट कर दी। हाँ। मगर ऊपर से चलो। अरे तुम सुनो, वो चलो ना, वो ऑफिस का मामला है। तुम नहीं नहीं ऊपर चलो। ओहो, आओ तो। मैं ऑफिस ही तो जा रहा हूँ। पहले फोन करो अपने ऑफिस में। लेकिन फायदा क्या होगा? मैं कहती हूँ करो ना। अच्छा भी लो। भाई सीताराम, मैं सिंह बोल रहा हूँ। जरा सूरी साहब को लाइन दे दो। सूरी साहब को? कोई नहीं, सब चले गए। देखा, ये भी तुम्हारे दुश्मनों की एक चाल थी। लेकिन इसका मकसद? वो ये फाइल गायब करना चाहते हैं। तुम इसे संभाल कर रखाओ। हाँ, मैं अभी आता हूँ। Thank you.
यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। आज तुम्हारे आने की खुशी में हम भी पियेंगे। तो तुम पोर करो, मैं तब तक आइस लेकर आता हूँ। ओके। अरे भी बस 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 भी करो, तुम अपने ग्लास में भी डालो। है ना, मैं ज्यादा शराब नहीं पीता। बस और बस बस बस। ओके। हाउ मच? बस शुरू करो। थैंक यू। चीयर्स। ओ डार्लिंग प्लीज हैव इट। बस हो गए, बस बस बस। लो ना। नो मोर। मेरी खातिर। तुम्हारे खातिर। पी जाओ। तुम्हारे खातिर तो मैं आग में भी कूद सकता हूँ। मेरे पास आओ। और पास आओ। डार्लिंग, मैं कितना खुश नसीब हूँ तुम मुझे प्यार करते हो। एक बात पूछू? हजार बात पूछो, पूछो। क्या तुम सचमुच मुझे प्यार करते हो? डार्लिंग, इसमें कोई शक है तुमको? नहीं तो? तो? बिल्कुल नहीं। फिर भी क्या? रंजना, बॉस तुम दोनों के साथ तड़पा तड़पा कर मारेगा कि मौत के फरिश्ते भी कांप उठेंगे, समझी? जिंदा रहता तो रंजना पकड़ी नहीं जाती। तो रंजना से फोटो हासिल करना बहुत मामूली काम है। क्या
रुकी रुक कैमरा दूर देखो पुलिस हमारा पीछा कर रहे हैं। घबराओ नहीं वानमल, तुम तैयार हो जाओ, एरोड्रम आ रहा है। तो वापस चले ठहरो। इतने बड़े ऑफिसर मिस्टर सिंह का खून उसके घर में और वो भी एक लड़की के हाथों, अब भी समझ में तो नहीं आया। अरे छोड़ यार, कुछ चक्कर होगा, ये ले रिंग लीना दी थी, कहती थी फर्स्ट फ्लाइट आने के बाद मिलूंगी। फर्स्ट फ्लाइट आने के बाद? हाँ। अरे सुन एक मिनट रुक तो सही, दिल टूट जाएगा बेचारे का यार। हाय मिस्टर पंडारे। वेरी गुड, 00 तुम वापस जाओ, डोंट वरी जाओ। आपने क्या मुझे रेल का इंजन समझा? जब भी आता हूँ शंटिंग करती है, बुल की तरह आती है और मेरे से टकरा जाती है। आपको देखकर जरा फिसलने को दिल, मेरा फिसलने को दिल नहीं होता। सुनिए सुनिए, ये आज यहाँ एक्स्ट्रॉर्डिनरी पुलिस कैसे है? पुलिस इसलिए कि किसी लड़की ने मिस्टर सिंह का खून कर दिया है। अरे आप तो ऐसे डर रही हैं जैसे खून आपने किया। नहीं तो मैं ऐसी बातों से जरा घबरा जाती हूँ। घबराने की क्या बात है, पुलिस का तो काम है मुजरिमों को पकड़ना। और मुजरिम का काम है? मेरी फ्लाइट आ रही है मैम साहब। Are we ready for takeoff? मुझे दे दो। कौन सी लिपस्टिक? वही लिपस्टिक जिसमें तुमने सारे फोटोग्राफ निकाले। कुछ नहीं जानती। चुप। मैंने कहा ना मैं कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं जानती। मैडम वो सच कह रहा है, लिपस्टिक हमारे वाले कर दो। मैं सच कहती हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। तुम अपनी भलाई अगर चाहती हो तो लिपस्टिक हमारे वाले कर दो। अंजाम जानती हो इसका? भाग के जा रही है, लिपस्टिक है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। निकालो। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, पायलट साहब जहाज बंबई नहीं जाएगा। अगर मुसाफिर और जहाज की सलामती चाहते हो तो जहाज यहीं हाईवे पर उतार दो। डोंट मूव, कोई चलाई करने की कोशिश मत करना। Shut up, son of a... And here, we'll be going down. बहुत चालाक बनने की कोशिश करती थी। मुझे कुछ नहीं मालूम। नहीं देती तो उतार लो उसे नीचे। नहीं। नाउ आप जहाज ले जा सकते हैं। डोंट मूव, डोंट प्ले फनी ट्रिक्स। लिपस्टिक नहीं बता, मैं बताऊंगा।
वो लोग अंजना को पकड़ के ले गए। हाँ बॉस, ये सरासर फरेब है, धोखा है, बेईमानी है। विनोद, रघु को जग्गू के साथ टक्कर लेना बहुत महंगा पड़ेगा। कुछ भी कहो बॉस, लेकिन इस बार तो वो बाजी मार गए। हाँ, अगर आप मुझे दिल्ली भेज देते तो शायद श्री से ऐसी गलती ना होती। घबराओ नहीं बाजी, हम ही जीतेंगे। इतना भरोसा है रंजना पर आपको? हाँ, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। वो कट तो सकती है लेकिन जुबान नहीं खोलेगी। मैं रंजना नहीं हूँ, मैंने कहा ना मैं रंजना नहीं हूँ। मिस्टर गिल, ये बेचारी रंजना नहीं, औरत की इज्जत की थी। मारा बेटा, फिर इसमें मैं यकीन नहीं आया मैं वो रंजना नहीं। मेरे कपड़े मुझे दे दो। बता के तेरी फोटो कहाँ रखे? मैंने कहा ना मैं धोखा देने की कोशिश तो तुम कर रही हो खूबसूरत नागिन। नहीं, मैं धोखा नहीं दे रही। बेकार की जिद करने से कोई फायदा नहीं रंजना। बता दो वो फोटोज कहाँ रखे हैं? बता दिए। मैं कुछ नहीं जानती, मुझसे कह दो। क्या तुम ये भी नहीं जानती श्री होटल के रूम नंबर 10 में तुमने मिस्टर सिंह को बुलाया था? तो क्या तुम ये नहीं जानते कि तुमने मिस्टर सिंह को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाकर फाइल की सारी फोटो हासिल की? नहीं, मैं कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं। अभी जान जाओगी। राजन, फॉर्मूला नंबर 34, इसकी आंखें बहुत खुली। मुझे भी कुछ जरूरत से ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही है। ऐसी नहीं बताएगी। ठीक है, लाओ बर्फ। कुछ बताया उसने? कुछ भी नहीं बोलती, बड़ी सख्त जान मालूम होती। कोई बात, आओ बैठो। ये देखो, बेहोश पड़ी है लेकिन उगलती कुछ नहीं। वेरी गुड। रंजना, रंजना, माफ करना, इन लोगों को धोखा हुआ। क्या करें, हम पुलिस वालों का काम ही ऐसा होता है। जाओ, तुम कपड़े बदलो, जाओ। यू आर फ्री नाउ, और चलो। खाम खा इस लड़की पर इतना जुल्म किया, चलो। तुमने ये ठीक नहीं किया रघु, तुमने बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। रघु, बिगाड़ नहीं दिया बल्कि खेल जीत दिया। शिकारी को उसके शिकार से ही शिकार करना चाहिए। मिस्टर रघुनाथ, सर, चलो मैं तुमको इसकी रिहाई का राज बताता हूं। आओ। लो आप सुनो, रंजना की रिहाई करा। तुम्हें इतना टॉर्चर किया उन्होंने रंजना, अगर मैंने भी उनसे गिन गिन के बदले ना लिए तो मेरा नाम भी जग्गू नहीं। उन्हें कमीनों को ऐसी मौत मारूंगा कि उनकी रूह तक कांप उठे। बदला तो मैं भी ले सकती लेकिन मैं मजबूर थी। आराम से लेती रहो। अच्छा ये तो बताओ वो फोटो है कहाँ? फिक्र ना करो, वो बिल्कुल सेफ है। तो क्या वो फोटो तुम्हारे पास नहीं? क्या बात करते हैं आप, अगर वो फोटो इसके पास होती तो वो लोग छोड़ देते क्या इसे? ये कुछ इसने अतुलमंदी का काम किया। खैर, वो फोटो है कहाँ? कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ भी चोरों को मोर पड़ जाए। मोर पड़ भी गए तो उनके बाप भी वो फोटो हासिल नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि वो फोटो मैंने अपनी लिपस्टिक के नीचे रख दी है और फसल देखते ही वो लिपस्टिक मैंने दिल्ली में पायलट को फूल में डाल। Thank you.
सोच रहा था कि रघु ने रंजना को छोड़ कैसे दिया। तो फूल ट्रांसमीटर था। हाँ रंजना, तुम्हें उस पायलट का नाम और पता तो मालूम होगा। नाम है ब्रजेश और पता है सांता क्रूज कालीना। विनोद, रंजना की हिफाजत का जिम्मा तुम्हारे सर पे है, इसके साथ जाओ और लिपस्टिक इसी वक्त आनी चाहिए। हाँ ये अभी होगा, क्योंकि उन लोगों ने हमारी सब बातें सुन ली हैं। चलो रंजना जल्दी चलो। अरे मुझे जरा कपड़े तो बदल लेना। अरे कपड़े भी बदल लेना, चलो तो। ठहरो, ये रखो पिस्टल, तुम्हारे काम आएगा, ये बे आवाज है। लिपस्टिक पायलट की जेब में, बहुत चालाक है। लूंबा गिल तुम उसको फॉलो करो और देखो वो पायलट के घर में हरगिज़ ना पहुंचने पाए। मैरिक, मैरिक, चाय ला मेरे लिए। रेशु, तुम क्यों काम करते हो घर में? नौकरानी किस पास से है? बैठो यार, चोट तो नहीं आई? कहा है मैरे? तुम्हें कितनी दफा कहा है कैसे काम मत करने दिया करो? हम क्या करें? मेम साहब खुद ही सारा काम करते हैं, भैया का सारा काम खुद करेगा। सारा काम खुद करेगा? हाँ। जाओ दूसरी चाय लेकर आओ। रेशु मेरी बहन, मैं जानता हूँ तुम्हें मेरा काम करना अच्छा लगता है। कभी कोई एक्सीडेंट हो गया तो तुम्हारे भाई की क्या हालत होगी? तुम्हें कसम है मेरी, अगर तुमने दोबारा काम को हाथ लगाया। इतनी बड़ी कसम ना दो भैया, इस घर का काम करने में मुझे जो शांति मिलती है वो मेरा ही मन जानता है। मगर मैं तब काम करना छोड़ूंगी और बैठ कर राज करूंगी जब तुम मेरे लिए एक खूबसूरत सी भाभी लेकर आओगे। लाओगे ना? अगली तुम क्या समझती हो, भाभियां बाजारों में बिकती हैं या दरख्तों को लगती हैं जो तुम्हारे लिए एक आध तोड़ कर ले आऊं? हाँ कुंडली में जो डेट लिखी होगी उस दिन अपने आप आ जाएगी। अरे कुंडली में? अरे मेरे भैया की कुंडली में बहुत खूबसूरत लड़की लिखी है, मगर मैं खुद उसे पसंद करूंगी। तुम पसंद करोगी? हाँ रेशु तुम ही पसंद करोगी, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम्हारी आंखें जल्दी जल्दी अच्छी हो जाए। जानती हो तुम्हारी आंखें देखने के लिए दिल्ली से एक आई स्पेशलिस्ट आ रहा है। डॉक्टर साहब मेरे लिए? नहीं भैया नहीं। डॉक्टर का नाम सुनते तुम्हें क्या हो जाता रेशु? तुम्हारी आंखें ठीक नहीं होंगी तो अपनी भाभी को कैसे पसंद करोगी? ठीक है मैं किसी लंगड़ी लूली को पकड़ कर ले आऊंगा। जी ऐसा मत कहो। अच्छा बाबा डॉक्टर की बात नहीं करते, लेकिन सुनो आज मेरे साथ क्या हुआ। जानती हो आज मेरा हवाई जहाज हाईजैक कर लिया गया। एक बदमाश ने आकर मेरी कनपट्टी पर रिवॉल्वर रख दिया और कहने लगा यहीं इसी वक्त हाईवे पे लैंड करो। तो फिर? फिर क्या, मुझे मजबूरन लैंड करना पड़ा। उसके बाद वो एक लड़की से लिपस्टिक मांगने लगे, जब लड़की ने लिपस्टिक देने से इनकार कर दिया तो बेचारी को मारा पीटा घसीटकर बाहर ले गए। हाँ इतनी सी लिपस्टिक और इतना हंगामा। इसमें भी कोई राज होगा रेशु, ये लोग फूलों में पत्तों में हीरे जवाहरात ले जाते हैं, बिस्कुटों में सोना चांदी ले जाते हैं, कोकीन पता नहीं कैसी कैसी चीजें स्मगल कर लेते हैं। क्या हुआ, क्या सोचने लगी? मैं सोच रही थी अगर वो बदमाश सचमुच गोली चला देता तो क्या होता। पगली, जिसके साथ तुम्हारे जैसी बहन की दुआएं हों उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अब ये चाय होटल से लेने गई है या किचन से? मैं मुंह हाथ होकर आता हूँ। गजब हो गया विनोद, अंदर डॉक्टर और नर्स बैठे हुए हैं, वो लोग मुझे जानते हैं। तो फिर क्या हुआ? तुम यहीं ठहरो, मैं अभी बॉस को फोन करके आती हूँ। सुनो जरा जल्दी आना, कहीं रघु और उसके साथ ही ना जाए। अरे ये तो रघु के ही आदमी थे। कोई बात नहीं, निपट लूंगी एक एक से। जाओ मैं फोन करके आती हूँ, तुम जाओ। तो ये बात है, तुम घबराओ नहीं रंजना, मैं अभी कोई चक्कर चलाता। डॉक्टर साहब किसी भी तरह मेरी बहन की आंखें ठीक होनी चाहिए। मिस्टर ब्रजेश, इनकी आंखों पे
पर्दा सा छाया हुआ है। जब तक सही हालात का पता न चले ऑपरेशन की गारंटी मुश्किल है। मिस रेशमा आप ही बताइए क्या हुआ। आई वॉन्ट टू नो एवरीथिंग इन डिटेल। रेशो डॉक्टर साहब क्या पूछ रहे हैं? देखो तुम डॉक्टर साहब को नहीं बताओगी तो तुम्हारी आंखों का इलाज कैसे होगा? अगर डॉक्टर को नहीं बताओगी तो फिर ऑपरेशन कैसे होगा? ये तुम्हारी आंखों का ही नहीं तुम्हारे भाई की खुशियों का भी सवाल है। और फिर देखो ना डॉक्टर साहब दिल्ली से तुम्हारे इलाज के लिए आए। ऑपरेशन नहीं कराना चाहती, नहीं कराना चाहती। तुम्हारे इस दुपट्टे के सात रंगों ने मुझे लूट लिया है। मुझे इतना प्यार ना दो पागल हो जाओ। तुम्हारी इस चाहत ने मुझे दीवाना बना दिया है लेकिन क्या करूं मेरा फर्ज। ओहो फर्ज 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 तुम्हारे फर्ज ने तो मेरी जान ले रखी है। वो कौन सा ऐसा फर्ज है जो हम दोनों की मोहब्बत के बीच में आ रहा है? हाँ बोलो। ये बात नहीं रेशमा, तुमने मुझे उन गुंडों से बचाया, अपने घर में पना दी और मुझ पर विश्वास करके अपने आप को मेरे हवाले कर दिया। और रेशमा कुछ ऐसी बातें होती हैं जो वक्त आने पर ही बताई जाती। नहीं तुम्हें सब कुछ बताना होगा। मगर क्यों? इसलिए कि मैंने किताबों में पढ़ा है। क्या पढ़ा है? और शन्नो भी मुझसे कह रही थी कि परदेशियों का कोई भरोसा नहीं। कन्हैया गांव वाले के ताने मुझसे नहीं सह जाते, तुम मुझे अपने साथ ले चलो ना। अरे मैं तुम्हें बड़ी धूमधाम से लेकर चलूंगा, इसलिए तो बम्बई जा रहा हूँ। अरे ये रोनी सूरत क्यों बना रखी है, मुझे हंसते हंसते विदा करो। अच्छा प्लीज मैं चलूं। गांव वाले मुझसे नफरत करने लगे, मुझसे कोई सीधे मुंह बात नहीं करता था। मैं पागलों की तरह उसका राह देखती थी। अच्छा तू शहर जाके चोरी करता है? चोरी नहीं करता मैं, तो तोरी मोरी करता हूँ। ये तोरी मोरी क्या है बताऊँ? बताऊँ क्या? हाथ दिखाओ। क्यों? अरे हाथ दिखाओ। ले तोरी मोरी, ये क्या है? तोरी है और अब ये मोरी है। मोरी बस बस समझ जाए, निकाल। अरे बाबा निकालता हूँ, तू भी क्या याद करेगी। वैसे अपन माल लेकर वापस नहीं करते, रख ले रख ले रख ले ना। अच्छा सिस्टर एक बात तो बता, वो कन्हैया साला फिर साला बुला उसे। अच्छा बाबा तेरा घर वाला वो तो हो जाएगा। हो गए खुश? अच्छा एक बात बता, तूने उसका कुछ आता पता पूछा कि नहीं पूछा? यही तो पूछना भूल गई। दीदी तू भी एकदम कंडम है कंडम। मेरी बात मान तो सीधे तू मेरे साथ बम्बई चल। अब उसे नहीं पिंडा, आओ थोड़ी देर बैठ ही लेते। लेकिन तू तो बहुत हेकड़ी मारता था। मैं कन्हैया को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, यहाँ से ढूंढ लूंगा वहां से ढूंढ लूंगा। अरे देख देख बहन देख, खाली हाथ लौटना चिड़ी मारो का काम होता है क्या? मैं उस साले कन्हैया को फिर साला बोला उसको। अरे बाबा तेरा घर वाला खाली बिल्ली मारते रहते हैं। अरे मैं उसे कहीं ना कहीं ढूंढ ही लूंगा। अरे बाप रे इन्होंने मुझे ढूंढ लिया। ठुले 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 ठुले। क्यों भाई चक्रम, ये नया धंधा कब से शुरू कर दिया? अरे हौलदार साहब अपन तो तुम्हारी इस वर्दी की इज्जत कर रहे हैं बाप क्या। वैसे शीज माय सिस्टर, ये मेरी बहन है। क्यों बहन, क्या तुम्हारी इधर बदली हो ली क्या? इधर तुमने अपना कर्तव्य दिखाया था, जीना महंगा कर दूंगा समझा? हौलदार साहब आप जीने और मरने की बात कर रहे हो बाप, वैसे ही आजकल जीना मरना बहुत मुश्किल है क्या? और फिर जीने मरने के लिए परमिशन एडमिशन हुकूमत
हाय सिस्टर, 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 सिस्टर ये हल्लार है, ये अपन का पक्का दोस्त है दोस्त। अरे मगर वो तो तेरे को डांट रहा था। अरे बाबा ये हल्लार तो क्या, इससे बड़े बड़े ऑफिसर भी अपन के साथ इसी तरह प्रेम से बात करते हैं। सिस्टर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। क्या? ये तेरा सतरंगी दुपट्टा है ना, तो इस दुपट्टे में वही गाना गा जो साले फिर जो तू कन्हैया के सामने गाया करती थी। क्या होगा उससे? अरे ये 30-30 माले की बिल्डिंग है ना, ये सब के सब डगमगा जाएगी और जहाँ भी कन्हैया होगा तेरे पीछे दौड़ा दौड़ा आएगा। अरे छोड़ना, रोड पे इतने लोगों के सामने मैं नहीं नाचने वाली। ए, देख देख दादे भाव मत का क्या, अगर तेरे को कन्हैया मांगता है ना तो तुझे नाचना होगा, तुझे गाना होगा, गाना। ना दूंगी
भैया, ये हमारे सीक्रेट पुलिस वालों को कौन बता देता है? आपको मुझ पर शक है क्या? हट रे कन्हैया, अच्छा तुम मिल गए। मैं कितने दिनों से तुम्हें ढूंढ रही थी, गाँव और सब छोड़कर आ गई हूँ, तुमको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। रेशमा तुम यहाँ कैसे आई? लेने आने वाला था कन्हैया। क्यों कन्हैया? कोई बात नहीं, मगर मेरी बात तो सुनो। अपना घर समझो, चलो चलो चलो। मुझे बिला दी, मगर बहुत बदला हुआ और वो मुझे ऐसी जगह छोड़कर चला गया जहाँ औरत की रूह का नीलाम होता था। अभी तक नहीं आया। तुम यहाँ सोए हो और मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। चलो उठो, मुझे भूख लगी है। अरे उठो ना, जाओ। तुम नहीं खाते हो तो मैं भी नहीं खाती। जाओ ना। कन्हैया का? अरे वही कन्हैया जो मेरे टुकड़ों पे पल रहा है, उसी की बात कर रही हो तुम? नहीं नहीं, वो इतने से बड़े पैसे लेकर तुम्हारे सामने लेके गया है और तुम्हें बेच गया है। ये नहीं हो सकता। ये हो चुका मुझे है। जाने दीजिए, तुम मुझसे बच के कहीं नहीं जा। छोड़ो मुझे, मुझे जाने दीजिए यहाँ से। छोड़ो मुझे, बदमाश आवारा गुंडे, छोड़ मुझे। नहीं आ, छोड़ो। वही कर रही जिसका धंधा लड़कियों को फांसना और बेचना है, मुझसे बच के अब कहीं नहीं। मुझे जाने दे, मुझे कमीने, मैं कहती हूँ छोड़। नहीं, एक कदम आगे बढ़ा तो मैं अपनी जान दे दूंगी। रुक जाओ, रुक जाओ। मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए ऊपर से कूद पड़ी। जब होश आया तो आंखों की रोशनी जा चुकी थी। अफसोस मैं भैया की सूरत भी ना देख सकी। अब तुम ही बताओ भैया, मैं इस दुनिया में, मैं इस दुनिया से क्या देख सकती हूँ? हेलो मिस्टर ब्रजेश। यस ब्रजेश स्पीकिंग। जल्दी से जरा ऑफिस पहुंच। अभी इसी वक्त? पर मैं तो अभी ड्यूटी देकर आ रहा हूँ। दरअसल मैं आपसे मजाक कर रहा था, मैं लीला एयरोस्टेस का भाई बोल रहा हूँ। आवाज नहीं पहचानी आपने? आपको जान के खुशी होगी कि लीला ने शादी के लिए सब घर वालों को रजामंद कर लिया है। आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है, इसलिए जल्दी से घर के बाहर वाले कॉर्नर पे मिलिए। लीला भी आपको वहीं पे मिलेगी। ऑलराइट, कमिंग। उस गंजू और टकलू को ले जाओ और देखो ब्रजेश का बच्चा आज वापस घर ना जाने पर। कल सुबह 9 बजे ने साइन हॉस्पिटल ले आएगा। भगवान ने चाहा तो उनकी रोशनी ना वापस मिल जाएगी। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। आइए मेरे साथ। रेशु, मुझे शायद आने में देर हो जाए, तुम खाना खा लेना। नहीं भैया, तुम आओगे तो खाऊंगी। मैडम आंटी दरवाजा बंद कर दे। अरे तो बिना कोट के ही आ गया, और मैंने तो लिपस्टिक इसके कोट में डाली थी। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। मैं कल रेशो के लिए गया था। बाय बाय। अब ये वापस नहीं जाना था। Oh,
वेट। क्या बोलता है, जल्दी चलो ना, अभी चलते हैं, एक मिनट रुको।
मेरा बस चले तो मदद कर दो इन मोटर वालों की, अंधे होकर चलाते हैं। चल जाएगा कि मर्द के साथ कैसी होती है। देखो तेल भी है कि नहीं। धुलाई क्यों कर रहे हो, मुझे ड्राई क्लीन क्यों कर रहे हो? तक वापस नहीं आए। हाँ यार, कहीं वो दूसरे रास्ते से ना निकल गई। तो फिर मैं जाऊं, तुम इन दोनों का ख्याल रखोगे? इनका इनका फिक्र मत करो, इन्हें तो सुबह तक होश नहीं आएगा। तो मैं जाता हूं। सुनो, तुम जल्दी वापस आना, कहीं वो जग्गू का बच्चा ना आ जाए। Thank you.
पता नहीं आज मुझे क्या हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप मेरे मेहमान। ठीक मैन तो आज से मैं आपका मेहमान हूं ना।
यहाँ पर? दरअसल हर रोज मिस्टेक होता है क्या 10 फुट पर? अरे टूटा है मेरा वो। ये बात तू इधर क्या कर रहे है? क्या यही ब्लॉक नंबर 14 है? ब्लॉक नंबर 14 इधर नहीं है, इधर तो दो माला है, एक ऊपर अपना शांति पर रहती, इधर मेरी दीदी रहती है, इधर आजू बाजू में रहना किधर। थैंक यू जेंटलमैन। चोर दिखता था मेरे को, कंगा ऊपर भी नहीं कंगा नीचे भी नहीं, रुस्तम जी को वेडिश करना पड़ेगा। कौन? दीदी और रुस्तम जी प्रेतन जी चू दबा खोलू नहीं। आती हूँ। गुड इवनिंग दीदी। मुझे लगता है कि मेरे घर में कोई है। घर में? जरा एक मिनट, मैं तब चला दूँ, तुम देखो। दीदी, उसने रुस्तम जी प्रतिम जी का हाथ नहीं ढकेला, उनका हड्डी का सुरमा बना डालेगा, बैगन का बूटा बना का पिटाटो का चटनी बना खा डालेगा, कोई नजर तो हो। मैं आती जरूर हूँ, लेकिन इतनी बुद्धू नहीं, उस तरफ देखो ना। ऐसा? तो तुम मेरे बेर पकड़ो, मैं अभी देखता हूँ उसको। दीदी तेरा मेरी लकड़ी की रास्ते नीचे गिर गई, मैं अभी देखता हूँ उसको। तेरा चलते मैं, तू नहीं निकलेगा तो वो भूल का वापस बगा डालेगा, सच्ची बोलता है। कोटा पार ले निकली बिल्ली, वो भी मियो मियो बोलते। मैं तो सचमुच डर गई थी। अरे डर गए थे तो? अरे मेरे होते भी तो कौन आ सकता है, किसका हिम्मत पड़ेगा। अच्छा ये बात जाने दो, अभी ये लो ये स्पेशल दवा है, संभाल के रख। अब तो रुस्तम जी को जाना पड़ेगा। दीदी आया हो? अरे आया हो? आया ये तो दवा दिया ना, बहुत डेंजर दवा है, आंखों को हाट लगाए ना। मेरा मतलब है इससे ना खटमान मच्छर सब मर जाते हैं, मैं नहीं मरता। मैं जाता हूँ, ये तुम अंदर से लॉक कर देना, पर डरना मत। दीदी मैं बिंदास हूँ। दवा दिया ना, बहुत डेंजर दवा है, आंखों को हाट लगाए ना।
कर जमीन के नीचे। पता तो करें अंजना का क्या हुआ। उसे तो आ जाना चाहिए था ना। खैर फोन नंबर क्या बताया था। 532। वहीं पे मौजूद है। मौका मिलते ही सिग्नल देगी। डिस्कनेक्ट मत कर। जमीन में गड्ढा है ना छत में छेद। मेरा ख्याल है दीदी। तू चुप रह। मैं कहती हूँ इस घर में कोई है। गंगा आंखों वाले धोखा खा सकते हैं लेकिन मैं नहीं। लाश नहीं तो कोई आदमी जरूर है जो यहीं कहीं छुपा है। इस अलमारी को खोल। अलमारी खोलती हूँ दीदी। जल्दी कर। हाँ हाँ इधर तो कोई नहीं दीदी। यहाँ कोई नहीं। इधर आ। क्या यहाँ देख। यहाँ अच्छी तरह देख। देख लिया। इधर भी कोई नहीं। यहाँ भी कोई नहीं। इसे खोल। अच्छा अच्छी तरह। हाँ देख लिया। इधर भी कोई नहीं। ओह तो इस तरफ आ। अच्छा चलो यहाँ देख। देख देख अच्छी तरह देख। इधर भी कोई नहीं। ओफो, कभी कुंडी बंद हो जाती कभी गंबूट कभी लाश कभी कुछ कुछ समझ में नहीं आता। दीदी आपको वहन झल है दूसरा काहे नहीं। बाथरूम में चल। बाथरूम चलो तरह से देख। नहीं तो तेरी खैर नहीं। दीदी इधर भी कोई नहीं। यहाँ भी कोई नहीं। तू जा अपना काम कर। उई, मर गई। क्या हुआ गंगा? अरे क्या हो गया? उई, उई, हाय हाय लगा रखा है कुछ कहेगी भी? अरे बोल। आई मर गई। मिल गया हथेरी की खटमल साला।
दीदी दीदी अरे तू खटमल से डर गई? दीदी पहले चोली बांधो ना। मुझ अंधे से बनवा रही पतली। दीदी माफ करना दीदी। ले बांधिए। वैसे तो मैंने हजारों खटमल मचल दिए हैं, बड़ों बड़ों के छक्के छुड़ा दिए, दादाओं की आंखें झुका दी। हाय पर कुछ जाना पहचाना सा लगता है। लगता है जाना पहचाना खटमल रख लिया तूने। ससनी दीदी दीदी छोड़ो ना दीदी। ऊपर वाली वो जाड़ी जानती है ना? हाँ हाँ। उसका भाई आया हुआ। तो क्या हुआ? गुस्सा क्यों करती हो दीदी? सुनो तो। अरे बोल तो। हाँ हाँ। मुझे देख देख कर मुझों पर ताव देता है और कहता है गंगा मैं बिहार धोलू बहती गंगा में पगार बढ़वा दूंगा। बड़ा मुठ्ठा है पगार बढ़वाने वाला। मीना खूब सुनाई दीदी। क्या सुनाई तूने? सुनाई गंगा जब गुस्से से बहती है तो हजारों को साथ बहा लेके जाती है। शर्म ही आती मर्दों से ऐसी बातें करते हुए। अरे दीदी ऐसों से शर्म करो तो बेशर्म शेर हो जाते हैं। दीदी तुम्हें स्वतः हाथ जला रही हो? अरे गंगा जलते जलते तो मैं बची हूँ बड़ी मुश्किल से। आग जो लग गई थी सारे कपड़े को। मैरी गई है हॉस्पिटल, उसकी आंटी का एक्सीडेंट हो गया है। तो मैं खाना बना दूँ? नहीं नहीं मैं आज खुद अपने हाथों से भैया को बना कर खिला। अच्छा अमानत को फौरन अमानतदार के सुपुर्द कर देना चाहिए। क्यों नहीं? तो फिर लाइए वो लिपस्टिक। जी हाँ वो भी अमानत है किसी। ब्रिजेश ने फॉरेन से मंगाई थी एयर होस्टेस लीला के लिए। लेकिन उन्होंने मुझे कोई लिपस्टिक नहीं दी। कमाल है, मुझे तो कहा था आपसे लेकर प्रेजेंट कर दूं लीला को। आज उसका बर्थडे है ना। मजाक किया होगा आपके साथ। लेकिन सुनिए आप वैसे ही लिपस्टिक खरीद कर दे दीजिए। पैसे रुपयों की बिल्कुल परवाह मत कीजिए। इसमें मेरे भैया की इज्जत का सवाल है। वैसे मिलना तो बहुत मुश्किल है लेकिन आप कह रही हैं तो मैं। अच्छा तो फिर चलता हूँ। बहुत जोर से लगी है, मुझे भूख लगी है, मुझे घर जाने दो। देखो मेरी बहन घर में अकेली है, मेरा जाना बहुत जरूरी है, मुझे जाने दो।
जिनके धर्म और ईमान बदल जाते हैं। अरे चांदी की झनकार पे ये इंसान बदल जाते हैं। इस देश का सोचो क्या होगा, अब हम कैसे बतलाएं। देखो कुंडी लगी है कि नहीं। जब अपने ही घर वाले अपने दुश्मन बन जाएं। क्या हो गया मुझे, मैं बार बार क्यों गिर रही हूँ। नहीं गिरा, चलो शुक्र। ये क्या है, लिपस्टिक? किसकी हो सकती है? लड़की से लिपस्टिक मांगने लगे। जब लड़की ने लिपस्टिक देने से इनकार कर दिया तो बेचारे को मारा पीटा घसीट कर बाहर ले गए। यहाँ कैसे? ओफो, न्यों की बच्ची, मैं अभी तुझे देखती हूँ। कहाँ है मेरा डंडा? अभी देखती हूँ। आज की मनुष्य मेरे दरवाजे पर, न्यों की बच्ची, मैं तेरी टांगें तोड़ दूंगी। अरे बाप रे। अरे मगर आप कौन हैं? आप मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ। और मेरा नाम है लीला। लीला एयर होस्टेस? हाँ, मिस्टर ब्रिजेश आपकी अक्सर तारीफें किया करते हैं। माफ कीजिए मगर इस वक्त भैया घर में नहीं है। तो क्या हुआ, आप तो हैं। दरअसल मैं आप ही से मिलने आई थी। अच्छा जी, तो मैं आपकी क्या सेवा कर सकती? सेवा? मैं अपनी सेवा खुद ही कर लिया करती हूँ। मुबारकबाद नहीं दीजिएगा? ओह मुबारक हो। थैंक यू। बस खाली हाथ? वो मेरा तोहफा भी दे दीजिए। तोहफा? क्या मतलब? अरे इतनी कीमती लिपस्टिक गालों पर नहीं, होंठों पर लगाते हैं मेरी रानी। देखिए आपको शायद गलत समझ हुई है, मेरे पास तो कोई लिपस्टिक नहीं है। सुनिए, मैं उसे लिए बगैर नहीं जाऊंगी और आपको देनी ही पड़ेगी। अच्छा, तो आप लिपस्टिक लेकर ही जाएंगे? जी हाँ, ऑफ कोर्स। थोड़ा सब्र कीजिए, अभी लाकर देती हूँ। जरा जल्दी कीजिए, मुझे देर हो रही है। कीमती चीज है, अभी लेकर आती हूँ। Thank you.
दूंगी। इधर आओ, वापस, जल्दी। मैंने कहा आओ जल्दी। निकाल, कहाँ है लिपस्टिक? लिपस्टिक मैं देती हूँ तुम्हें। ये कहाँ जाएगी? आप कौन है? समझ नहीं आता। रेखा से लूना क्यों क्या नाम रखती है? तुमने मेरे साथ जो कुछ किया उसका बदला मैं आज क्यों दूँगी? कबूल कर दिया। हेलो हेलो पुलिस, मैं पाली मिलियन बहन बोल रही हूँ। सुनो, मैं वो लड़की पुलिस को बुला रही है। क्या? हेलो हेलो, यस, हाँ हाँ, पुलिस, यस। आप लोग यहाँ जल्दी से आ जाइए, मैं यहाँ बहुत मुसीबत में पड़ती हूँ। अभी आए। वहाँ पे कुछ गड़बड़ लगती है, फोन डिस्कनेक्ट मत करना, ताकि उनका कोई फोन बाहर से आए या नाम क्या है। घर में इतने खून हुए और तुम्हें कुछ नहीं मालूम? इंस्पेक्टर साहब, भगवान की स्वागत, मुझे कुछ पता नहीं, सिर्फ इतना समझी हो कि उस लिपस्टिक की वजह से हो रहा है जिसकी वजह से आज भैया का हाईजैक भी हुआ था। तो ये आपसे वही लिपस्टिक लेने आया? लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मैं इतनी बेवकूफ नहीं जो इतनी आसानी से ये लिपस्टिक दे देती। लाइए मुझे दीजिए, हम ही इसकी हिफाजत कर सकते हैं। क्यों नहीं, पुलिस से ज्यादा इसकी हिफाजत और कौन कर सकता है। ये देखिए, ये इंस्पेक्टर है, ये वतन परोश गद्दार बेईमान है, मक्कार है। लाओ लिपस्टिक मुझे दो। मैं कहता हूँ वो लिपस्टिक मुझे दे दो। मैं कहना नहीं दूंगी। सुन ले रघु, मेरे जीते जी ये लिपस्टिक मुझे कभी नहीं मिलेगी। मुझे नहीं मिलेगी? लेकिन अपने वतन की नहीं, अपनी पार्टी की। मेरी मजबूरी मुझे वतन पर छुपा। छुपा भी कहीं? कहाँ छुपाई?
रघु तेरी ये हिम्मत लखो मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ते से कांटों को हटाना पड़ता है। शेर के मुंह से निवारा निकालने वालों का अंजाम जानते हो? जानता हूँ। गिरेबान पकड़ने की बजाय ये हाथ दोस्ती के लिए नहीं बढ़ सकते क्या? तो गोया तुम मेरे साथ। तुम बिल्कुल ठीक सुन, ये तुम्हारी भूल। मैं बराबर के हिस्से की बात नहीं कर रहा बल्कि पांचवें हिस्से। इससे हिस्सा नहीं, चैरिटी या ठीक कुछ भी समझ लो। अपने को तो माल चाहिए माल, लाभा क्यों? भरोसा नहीं? तुम हाथ चली। मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया है, अब तुम लोगों में हिम्मत है तो नहीं जाएगी। मैं उन्हीं की मदद करता जो अपनी मदद आप करते। लेकिन एक चक्कर समझ में नहीं आया, जब तुम आए थे तो इन लोगों के साथ थे और उसके बाद अचानक मेरी मदद शुरू कर दी। ऐसा भी कभी कभी होता है भाई साहब। रेशमा, रेशमा उठो, रेशमा मैं हूं कन्हैया, तुम्हारा कन्हैया। रेशमा उठो, रेशमा रेशमा उठो। तुम यहां कैसे आए? तुम यहां कैसे आए? चले जाओ यहाँ से। बात तो सो रेशमा। रेशो क्या कह रही हो तुम? इस बेचारे ने तो हमारी मदद की है। ये बहुत बड़े बहरूपी हैं, दगाबाज हैं। तुम भी इनकी बात में आ गए। इनसे कह दो कि चले जाओ यहाँ से।
रेशमा तुम मुझे गलत समझ रही हो। एक ही ठोकर से मुझे बहुत कुछ समझा दिया है, अब तुम मुझे कुछ नहीं समझा सकते। मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से। चला जाऊंगा, मगर मैं तुम्हें बताकर ही रहूंगा कि मैं निर्दोष हूँ। क्या ये झूठ है कि मैंने तुम्हारे लिए अपना घर बार नहीं छोड़ा? क्या ये झूठ है कि मैंने तुम्हारे लिए दर दर की ठोकरें नहीं खाई? क्या ये भी झूठ है कि तुमने मुझे उन गुंडों के हवाले कर दिया? भूल जाओ उन बातों को, मैं तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत का वास्ता देता हूँ। तुम और मोहब्बत? मोहब्बत तो भगवान का दूसरा नाम होता है कन्हैया, शराब का छलकता जाम नहीं। चले जाओ यहाँ से और फिर यहाँ आने की कोशिश नहीं करना। अच्छा, अगर तुम कुछ सुनना नहीं चाहती तो मैं चला जाता हूँ। थैंक यू मिस्टर ब्रजेश। रेशमा, हो सके तो मुझे माफ कर देना। अबे और चिड़ी मार। जाने दीजिए भाई साहब, मैं तो बाजी हार चुका हूँ। हाथ देखा है, थोबड़ा बिगाड़ के रख दूंगा। इस बेचारी को धोखा क्यों दिया है? भाई साहब, आप भी मुझे गलत समझ रहे हैं। मैंने इन्हें कोई धोखा नहीं दिया। वक्त आने पर आपको सब मालूम हो जाएगा। अरे मिम साहब, हम आ गए इंस्पेक्टर चोपड़ा। मिम साहब, मेरी क्या हो मिम साहब? इंस्पेक्टर मोरे, बहुत देर लगा दी तुमने। विलियम को पकड़ने में ज्यादा देर हो गई सर। पकड़ लिया विलियम को? कैसे नहीं पकड़ा जाता सर, जैसे आपने हुक्म दिया था वैसे ही मैंने किया। वेरी गुड, बात मुझे नहीं उन्हें दीजिए इंस्पेक्टर, जिन्होंने इस राज के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। ओह, मुबारक हो बहन, आपने अपने देश की इज्जत रख ली। मैंने तो अपना फर्ज निभाया है इंस्पेक्टर साहब। मिस्टर मोरे। यस सर। प्लीज कम हियर। आप फोटोग्राफर और एम्बुलेंस का इंतजाम करो, तब तक मैं यही मौजूद हूँ। ओके सर। पहले तुम लाशों पर कब्जा कर लो। शो, तुमने तो कमाल कर दिया। सुना इंस्पेक्टर साहब कितनी तारीफ कर रहे थे तुम्हारी। अब तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या हूँ। इसकी सजा तुम खुद तजवीज करो। अच्छा, खुद नहीं बोलना चाहती? रावत, आज से तुम और रेशो जीवन के बंधन में बांधे जाते हो। लेकिन मुझे एक बात का दुख है कि जो वादा मैं पूरा करना चाहता था ऊपर वाले ने कर दिया। मगर दूसरा वादा? अब दूसरा कौन सा वादा? अरे बाबा, मेरी भाभी का। भाभी? देखो रेशो, तुमने खुद कहा था कि अपनी भाभी तुम खुद पसंद करोगे। वो तो है, लेकिन जब तक तुम्हारी आंखें ठीक नहीं होगी तो भाभी कहां से पसंद करोगी? क्यों भाई, ठीक है ना? अब तुम्हारी आंखें ठीक हो जाए तो भाभी भी पसंद हो जाएगी।